अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने पिछली वीडियो में नज़म पढ़ा था, आओ आओ शेर को जाएं। अब हम लोग इसके कुछ सवालात आपको देंगे जो आपने हल करने हैं। पहला सवाल, इस नज़म में बच्चों के कई खेलों का जिक्र किया गया है, क्या आपने वो खेल खेले हैं? यानी कि इसके अंदर जैसे एक खेल है आँख मचोली, इस तरीके से आपने देखना है कि इस नज़म के अंदर कौन कौन से खेलों का नाम है। फिर आपने उसके आगे लिखना है कि आपने ये खेल खेला है कभी या नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपने खेलों का नाम ढूंढना है इस नज़म के अंदर। सवाल नंबर दो, हम भी अपना रंग जमाएं, इस मिसरे का मतलब बताइए। यानी कि ये जो मिसरा है, हम भी अपना रंग जमाएं, इसका क्या मतलब है, वो आपने अपनी कॉपी पे लिख देना है। तीसरा सवाल, आपने कितने अकसाम के फूल देखे हैं, नाम बताइए। अब जैसे आपने इस नज़म के अंदर कुछ फूलों के नाम पढ़े थे, गेंदा, जूही, नरगिस, चमेली, तो वैसे ही आपने जितने भी फूलों के फूल देखे हैं उनके आपने नाम लिखने हैं अपनी कॉपी पे। अगला सवाल, आपने कोयल की आवाज़ को क्या कहते हैं, जो कोयल की आवाज़ होती है उसके लिए एक मखसूस नाम रखा गया है, वो आपने नाम अपनी कॉपी पे लिखना है। इसके अलावा आगे सवाल पूछ रहा है, कोयल की आवाज़ ख़ास तौर पर कब ज़्यादा सुनाई देती है, यानी कि दिन के कौन से वक्त में कोयल की आवाज़ सबसे ज़्यादा सुनाई देती है, वो भी आपने सोच के, ढूंढ के या किसी से पूछ के लिख लेना अपनी कॉपी पे। सवाल, बागात की सैर करना लोग क्यों पसंद करते हैं, तो यानी गार्डन्स में लोग जाना क्यों पसंद करते हैं, वहाँ पे वॉक करने के लिए क्यों जाते हैं, तो वो भी आपने वजह अपनी कॉपी पे लिखना है। आखिरी सवाल, क्या आपने किसी बाग की सैर की है, अगर आपने किसी बाग की सैर की है तो उस बाग का नाम लिख देना है, अगर नहीं की तो आपने बस ये लिख देना कि आपने किसी भी बाग की सैर नहीं की। सही है, खुदा हाफिज़।